कि यूं समझा गया कि अब अल्लाह पाक 100 ऊंट सैयदना अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु वालिद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतबादिल 100 ऊंट बारगाह खुदावंद दीन पर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। तो अभी हम ईद की नमाज पढ़ के वापस आ चुके हैं। तो हमारा पहला होता है कि ईद की नमाज के बाद क्या हम आगे पहले खाते हैं सेवियाँ, मीठा खाते हैं पहले, तो फिर हम ड्रेसिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं और बकरे वगैरह ज़िबा करवाने होते हैं, इसलिए हम कपड़े अपने चेंज कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल सेवियाँ खाते हैं। बहुत गर्म है अभी सेवियां, बहुत मुश्किल से खाई जा रही है। अभी मैं आ गया हूँ अपने तायाबू के घर। तो ये बकरा है और इसकी कुर्बानी देनी है अभी। तो इसका दूसरा कहाँ है भाई? दूसरा कहाँ है इसका? अच्छा, उसे अंदर बांधा हुआ है। तो अभी इसे बाहर निकाला हमने फोटोग्राफी के लिए, ईद की फोटोग्राफी करनी है हमने भाई के साथ। तो अभी तस्वीर ले लेते हैं एक अच्छी सी। बकरे हमारे यहाँ पे ग्रास पे खड़े थे, ऐसे हमारी गाड़ी का हाल हुआ है बकरों के साथ। अब देखते, ये भी एक बकरा हमारा, ये भी बैठे हुए हैं। तो अभी गाड़ी बाहर निकाली जाएगी और यहाँ की सफाई की जाएगी, ताकि जब कसाई इधर आता है तो उन्हें बैठने के लिए हम जगह फराहम कर सकें, जब में बैठ के वो गोश्त बना सकें। तो मैं अभी गाड़ी बाहर निकालता हूँ, बकरों को पानी पिलाने लगा हूँ। नहीं, पानी पीना है इन्होंने अभी, मेरे ख्याल में मूड नहीं है इनका पानी पीने का। तो बारी बाद में दिखा देंगे। सफाई हो चुकी है तो अभी कसाईगंज जा किया जा रहा है। अभी 9 बजे हैं तकरीबन, तो कसाई आएगा 11-12 बजे। तो हम मैं तो बकरों को पट्टे वगैरह खिला रहा हूँ ताकि ये भूखे ना रहें। तो सफाई हमने कर ली है, आप देख लें कितना गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो सफाई हो गई है अभी। अभी गाड़ी अभी बाहर निकालनी रहती है और अच्छी तरह से धोना रहता है, बाकी हमने सफाई कर ली है। तो मैंने अपने बकरे नहीं दिखाए थे ना, मैंने बताया था। ये है हमारा चुन्नू, ये मुन्नू, और ये है हमारा चिट्टा बकरा। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बकरा है ये मेरा, और ये भी माशाल्लाह। हमारे ये बकरे थे ना इस बार, बहुत शरीफ बकरे हैं ये, देखें कितने प्यार से करा मेरे पास। ये बड़े अच्छे बकरे थे, ये भी देखें बेचारे कैसे देख रहे, हमारी वीडियो भी बनाओ। तो भाई तुम्हारी वीडियो भी बना रहा हूँ, इधर देख ला, आ जा। अरे नाराज क्यों हो रहा है? इधर इधर नाराज क्यों हो रहा है मेरे? आ तेरी वीडियो भी बना रहा, आ जा। हाँ ये है हमारा चुन्नू था, पता नहीं मुन्नू था मुझे ये तो आए लग रही है। ये हमारा बकरा है। अभी टाइम आ चुका है चाट बनाने का, तो मैं चाट बनाने लगा हूँ। कसाई अभी तक आया नहीं है, 10-11 बज गए हैं, तो अभी तक कसाई तो नहीं हमारा आया। तो फिर हमारा टाइम हो गया चाट खाने का, तो मैं अभी ये सामान सारा पड़ा चाट का, तो अभी इसे मिक्स करते हैं और चाट बना लेते हैं।
थे, फिर हमने आगे ड्रेसिंग वगैरह चेंज कर दी हमने बाहर सफाई करके, तो फिर मैं सो गया था। तो अभी उठा हूँ और चाट बनाई है, तो मैं खाने लगा हूँ, ट्राई करते हैं कैसी है ये। तो मजे की बनी, अभी 12 बज चुके हैं, तो कसाई अभी हमारा आया नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ कसाई को देखने के लिए। यहाँ पे मोहल्ले में किसी का कर रहा है, तो वो अभी मैं देखने जा रहा हूँ कितना रह गया करके आया हूँ। तो कसाई अभी फारग होने वाला है, थोड़ा सा रह गया गोश्त उसका बनाने का, तो फारग होके वो फिर हमारी तरफ ही आ रहा है। बात हो गई है मेरी उससे, अभी 15 मिनट वेट करना पड़ेगा उसको। फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और हमारा कसाई आ गए हैं, बात करें हैं, तो अभी उन्हें अंदर बुलाते हैं। रोटियों को ऑर्डर दिया हुआ था, तो मैं रोटियां लेके आ गया हूँ। अभी खाना पक रहा है हमारा, कसाई तो रात आ गए थे, बड़ी लेट आए हैं, लेकिन अभी 2 बज चुके हैं, तो खाना भी पकना शुरू हुआ है। तो तकरीबन 3 बजे तक खाना पकेगा, तो बाबू को भी दावत की हुई है और मेरे चाचू के बेटे हैं उनकी फैमिली को भी दावत की है, वो आएंगे हमारे घर, तो फिर हम खाना खाएंगे साथ बैठ के। चार बज चुके हैं, तो बू से बस हो गई है हमारी, सुबह से चाट ही गई हुई है, तो अभी पक रहा है। 4 बज चुके हैं, तो देखते हैं वो कितनी देर लेगा। कसाई ने वैसे आज लेट ज़्यादा कर दिया हमें, कभी भी इतना लेट नहीं हुआ, हम 2 बजे तक खा पी के फिर सो जाया करते थे। अभी तो मुझे लगता है कि आज सो नहीं होना, तो खाना खा के फिर गोश्त बांटेंगे, उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम है कि दोस्त की तरफ जाना है, तो आपको दोस्त के साथ मिलवाए। 7 बज गए हैं, तो अभी भी नीचे कसाई बैठा है, तो वो मेरे ताया अबू के बकरों का गोश्त बना रहा है। आपको शायद आवाज़ भी आए बीच बीच में, तो अभी फ़र्क हुए हैं गोश्त, हमने अपना गोश्त वगैरह बांट दिया है, तो मैंने नहा धो के दोबारा कपड़े पहन लिए। अपने दोस्त को कॉल की थी, उससे मिलने जाना था, लेकिन वो कहीं पर बिजी था, तो उससे नहीं मुलाकात हो सकी। अली भाई से मैं मिलने गया था, उससे मिल के आया हूँ। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।